और फंक्शन का वैल्यू 0 पर 1 है, डैश पर आपका 2 है, और डैश कभी 0 नहीं है, ये दे रखा है अपने को। एफ का वैल्यू 1 लाइज इन द इंटरवल, इंटरवल पूछा मुझे, खोल लो इसको ना, कितना आ रहा है, एफ एफ डबल डैश इज इक्वल टू एफ डैश का स्क्वायर। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं अपन कि अपना ये वेरिएबल सेपरेबल या कुछ ईजिली इंटीग्रेबल जैसा बन जाए? तो अपन ने ऐसे सोचा, इसको ऐसे लिख लिया, इससे बच्चो न्यूमरेटर में आपके डेरिवेटिव आ गए और नीचे आपका, सॉरी न्यूमरेटर में डेरिवेटिव आ गए किसका, जो डिनोमिनेटर में। तो एफ डबल डैश किसका डेरिवेटिव है, एफ डैश का, इंटीग्रेट किया कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, बहुत सिंपल बच्चो। इसमें अपन लगाए थे एक्स की जगह जीरो रख देते, तो एफ डैश जीरो कितना है आपका, ये टू आए एल एन टू सी आ जाएगा, एल एन टू है ना, सी एल एन टू आ चुका है, तो एल एन टू बच्चो एफ डैश कितना आ जाएगा आपका, टू एफ बच्चो, फिर इंटीग्रेट कर दिए है ना, एफ डैश बाई एफ इज इक्वल टू टू, ठीक है बच्चो, कितना आ जाएगा, एल एन एफ इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चो, एक्स की जगह जीरो रख दिया, ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो वन एक्स जीरो सी जीरो आ जाएगा। तो फंक्शन कितना आ रहा है बच्चो, ई की पार्ट टू एक्स दिख गया होगा आपको, फंक्शन के अंदर एक्स की जगह वन रखना है, ई की पार्ट टू दिख गया होगा आपको। मैंने कल ही बताया ई स्क्वायर अपने को याद रखना है, काफ़ी जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है इसका, तो 2.7 से आप याद कर सकते हो, 2.71 अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट टू टू डिग्री टू टू डेसिमल प्लेसेस होता है। तो 2.7 का बच्चों स्क्वायर कितना होगा, ऐसे देख लो ना, 3 की पावर 6 है ना, 9 की पावर 3 729 है ना, तो 729 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा है ना, राइट। तो 729 7.4 के आसपास आता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। और बच्चों 7.4 कितना है, 6 से 9 के बीच में आ जाएगा,